हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है डॉट कॉम। मेरा नाम है तृप्ति जैन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि मार्केटिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं। हमने मार्केटिंग के दो कंसेप्ट स्टडी किए थे, मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब हम इसका डिफरेंस स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग में जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो मैनेजर हैं, वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स के नीड को फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो आखिर चाहता क्या है। और अगर वो ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, तो उसके कस्टमर क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। और कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो क्या करेंगे, दोबारा दोबारा आपके पास क्या आएंगे, प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आएंगे। आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगी। और सेलिंग में जो हमारे कस्टमर प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या मतलब होता है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने से मतलब होता है। उन्हें ये नहीं, कोई मतलब नहीं है कि हमारा जो कस्टमर है वो चाहता क्या है, उसको किस तरह के प्रोडक्ट है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है। अब हम स्टडी करेंगे कि मार्केटिंग और सेलिंग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या है, मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर नीड्स एंड टेक आउटसाइड इन व्यू ऑफ द मार्केट। मीन्स जो हमारी मार्केट है वो कस्टमर के नीड से ही तो स्टार्ट होती है, और वो ये करती है आउटसाइड व्यू को लेके आती है मार्केट के अंदर। मीन्स आउटसाइड कैसे, मीन्स बाहर के लोगों के व्यू को, अपने कस्टमर्स के व्यूज़ को, कि हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, किस वैरायटी का चाहते हैं, कितने प्राइस का चाहते हैं, उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। वो आउटसाइड व्यू क्यों लाते हैं, क्योंकि अगर वो अपना आउटसाइड व्यू लेके आएंगे मार्केट में तो क्या होगा, आपके कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। अब आते हैं हम सेलिंग पे। जो हमारी सेलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फैक्ट्री से। फैक्ट्री, जो हमारी मार्केटिंग है वो तो कस्टमर से स्टार्ट होती है, लेकिन जो हमारी सेलिंग है वो फैक्ट्री से स्टार्ट होती है। और क्या करती है, इनसाइड व्यू को लेके आती है मार्केट में। मींस वो बाहर के लोगों से नहीं पूछती कि उन्हें क्या चाहिए, वो अंदर ही, मतलब उनको जैसा प्रोडक्ट बनाना है वैसा ही बनाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है फिर कोई इससे खरीदे या ना खरीदे। जैसा वो बना रहे हैं प्रोडक्ट, जिस क्वालिटी में बना रहे हैं, जितने प्राइस पे बना रहे हैं, वो उसी प्राइस में बनाएंगे। सेकंड डिफरेंस है हमारा, जो मार्केटिंग है वो फोकस करती है कस्टमर्स की नीड पे। वो कस्टमर की नीड्स पे इसलिए फोकस करती है ताकि वो अपने कस्टमर्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट दे पाए। और जो हमारी सेलिंग है वो किस पे फोकस करती है, वो सेलर्स के नीड्स पे। मींस जो बेचने वाला है, जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उस पे फोकस करती है, ताकि उसकी ज़रूरतों को और जो उसके प्रोडक्ट है वो उस किस में कन्वर्ट कर सके, कैश में। मींस पैसे में वो क्या कर सके, उसके प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है, जो मार्केटिंग है वो किस पे इंफेसिस करती है, मींस किस पे फोकस करती है, किस पे प्रेशर देती है, अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग पे और उसकी डेवलपमेंट में। मींस वो ये देखती है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरह से होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और उसको कैसा डिज़ाइन देना है, कैसी शेप देनी है, कैसा कलर देना है, उसकी डेवलपमेंट पे क्या करती है, ध्यान देती है, ताकि जो उसका प्रोडक्ट है वो मार्केट के और प्रोडक्ट से क्या हो सके, मैच हो सके। और जो हमारी सेलिंग है वो किस पे अपना फोकस करती है, किस चीज़ पे, वो क्या कहती है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं उन्हीं को पे अपना क्या करती है, फोकस करती है। अब हम आते हैं मार्केटिंग के नेक्स्ट डिफरेंस पे, कस्टमर इज ट्रीटेड एज किंग। जो हमारा कस्टमर है वो क्या माना गया है, मार्केट में राजा है मार्केट का। जैसा प्रोडक्ट वो चाहेगा वैसा ही प्रोडक्ट हम उसको देंगे, जैसे फैशन का, जैसे ट्रेंड मार्केट में चल रहा है उसी तरह का हम उसे प्रोडक्ट देंगे। तो मार्केटिंग में जो कस्टमर है उसको क्या दी जाती है, सुप्रीम इम्पोर्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारी सेलिंग है उसमें सेलर को और प्रोडक्ट को क्या दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मीन्स सेलर को क्या क्यों दी जाती है, ताकि वो क्या करे, प्रोडक्ट को सेल करे, और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसलिए इन दोनों को क्या की जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। मार्केटिंग एम एट प्रॉफिट। मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, एम क्या है, मार्केटिंग को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, किससे, अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन से। अब कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, वो पैसा तो चाहती है, लेकिन जो मार्केटिंग है वो क्या चाहती है, हमें पैसा चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे कस्टमर क्या है, सेटिस्फाई होने चाहिए। लेकिन जो हमारी सेलिंग है वो क्या करती है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, और वो कैसे पैसा कमा सकते हैं, अपने प्रॉफिट से, थ्रू सेल्स वॉल्यूम, ताकि अपनी वो सेल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ा के लोगों को बेच के वो क्या करते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी मार्केटिंग है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है, कैविट वेंडर। मीन्स जो भी आपका सेलर है वो अवेयर होना चाहिए मार्केट में हर चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो प्राइस हो गया, चाहे वो क्वालिटी हो गई, आपकी प्राइस हो गई, क्वांटिटी हो गई, कुछ भी हो गया, किसी प्रोडक्ट की प्लानिंग डेवलपमेंट कुछ भी हो गई, तो हमारे जो सेलर है उसके रिगार्डिंग क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं। लेकिन जो सेलिंग है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है, कैविट एम्प्टर। मींस जो आपके बायर है, जो
ख़रीदने वाला है प्रोडक्ट को, उसको भी हर चीज़ की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, आजकल ये प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा, मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है। तो हमारी जो सेलिंग है वो किस पे फोकस करती है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है, कैविट एम्प्टर। उसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट डिफरेंस की ओर। जो मार्केट है उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच को क्या किया गया है, फॉलो किया गया है। इंटीग्रेटेड मीन्स हर चीज़ को इकट्ठा करके चलना, ही असेंबल करके चलना। तो जो हमारी मार्केट है वो क्या करती है, हर चीज़ को एक साथ लेके चलती है, असेंबल करके चलती है। बट जो हमारी सेलिंग है वो क्या करती है, हमारी फ्रेगमेंटेड अप्रोच को क्या करती है, फॉलो करती है सेलिंग में। तो ये हुआ हमारा पूरा डिफरेंस मार्केटिंग और सेलिंग कंसेप्ट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कोई कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आपको फ्यूचर में मेल के थ्रू मिलती रहे तो आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर। अगर Facebook के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा एड्रेस है ये। अगर ट्विटर के जरिए आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे इस एड्रेस पर। अगर ब्लॉग के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ब्लॉग के जरिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है ये। थैंक यू वेरी मच।